गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग हो रही है यहाँ पर सुजानपुर टीरा से। कल शाम को हम घुमारवी रुके थे और आज हम पहुँच रहे हैं क्या कहते हैं आपके सुजानपुर टीरा। तो मेरे बीच आप सबसे पहले तो ग्राउंड देख लीजिए यार, जो पहली नज़र जब यहाँ पर ग्राउंड की पड़ी थी बहुत ज़बरदस्त थी उस वक्त। ये सबसे पहले मिलाना चाहूंगा सर से, ये हमारे बीपीओ सर कोटखई से श्री भरत चौहान जी, और इनका बहुत अच्छा लगा सर आपको। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है यहाँ पर। और ग्राउंड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ग्राउंड, सारी फैसिलिटी है बिल्कुल यहाँ पर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे हम लोग यहाँ पर सारे। अभी बच्चों का मार्च पास्ट हो रहा है, उसके बाद आगे के मैचेस वगैरह शुरू होंगे, तो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा। और स्टेट का मैं आपको पूरी तरह से मैं दिखाता रहूंगा कि किस तरह से हमने बच्चों के मैचेस करवाए और हमने यहाँ पर एंजॉय किया। तो बने रहिए मेरे साथ। सिखाया जा रहा है बच्चों को कि किस तरह से मार्च पास्ट करना है। शिमला डिस्ट्रिक्ट टीम, ये देख लीजिए हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट टीम, हमारे शिमला के बच्चे मंच के आगे से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय जी को सलामी देते हैं। शिमला के बच्चे नेम प्लेट के साथ, ध्वज के साथ और प्यारी मुस्कान के साथ मुख्य अतिथि महोदय जी को सलामी देते हुए शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सम्मान्य रघुवीर शर्मा जी, महामंत्री सचिव। वॉलीबॉल का शिमला वर्सेस ऊना। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अपना कबड्डी का मैच जीत चुका है, मंडी के साथ ही मैच हो रहा था इनका। बहुत ही जबरदस्त खेल है बॉयज। अभी इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर सुजानपुर में और मेरे को यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ मिली है और ये हमारा चैनल देखते हैं और अभी मेरे से मिलने आए थे। बच्चों अपना अपना नाम बताना, हाथ खड़े करके। अब ऐसे करना आपने, अब 4-5 दिन बाद ये ब्लॉग आएगा और सबने कमेंट करना उस पर, ठीक है? सब मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है ना? कौन कौन मिले थे सारे? आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हो, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, ठीक है? और रेगुलर देखते रहना है ना। लो सर बाय कर दो। अच्छा कौन कौन से गेम खेलते हो सोचा आप? चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, ठीक है? बाय बाय। बढ़िया गर्ल्स कबड्डी शिमला वर्सेस मंडी। नीचे रह बेटा, दो टच में डाल कुछ नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर ग्राउंड में था तो मेरे को मंडी से एक भाई साहब मिले, अमरचंद बोला सर आपने। अच्छा मंडी से, और आप वाइफ? अच्छा जी, मिलोगे हमारे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से मिलकर, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू। बिलासपुर का और ये सेमीफाइनल होने जा रहा है। अभी यहाँ के विधायक श्री राजेंद्र राणा जी जो बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद कुछ देर में मैच शुरू हो जाएगा। अभी मेरे को मिले हैं पवित्रा खनान मैम जो चिड़गांव से है और मैंने इनके पास कम से कम 6.5 साल तक जॉब की है और इनका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था मैम। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जी इस वक्त हम हैं सुजानपुर के आलमपुर गांव में और मेरे साथ है जिसे यहाँ पर सर वगैरह है, तो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस भी करा। क्या बात है जी, ये देखिए अगर आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया वो भी इस एज में तो आपने कुछ भी नहीं किया। ये लोग हम इन चीजों से सीख सकते हैं कि जो ये लोग हैं इस एज में भी ये बहुत एंजॉय करते हैं। क्या
और ये बच्चा था जिन्होंने अभी वन एक्ट प्ले किया, उसमें ये बच्चा एक रोल कर रहा था। कौन सा रोल कर रहे थे आप? सेठ का रोल कर रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज। सूरज, ये देवरी कम्युनिटी और शिमला डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इनकी ताड़ियां देखो जरा, वहां जरा एक बार ताड़ी में हाथ लगा और ऐसे ऐसे करके देखिए। बहुत सुंदर बच्चा है ये। देखिए जी, चंबा वालों का जोश देखते ही बनता है। चंबा झूमता हुआ, झूमता हुआ ये, और पूरा सुजानपुर हिला दिया इस वक्त इन्होंने। अभी मैच से थोड़ा सा ब्रेक मिला है और इस वक्त हम जा रहे हैं जी सुजानपुर फोर्ट को। बोलते हैं यहाँ पर बहुत ही पुराना किला, मेरे ख्याल से 1758 या 98 कुछ ऐसा है, उस वक्त बनाया था राजा अभी सिंह जी ने। मेरे साथ इस वक्त है हमारे सबसे सीनियर आदमी राजीव सर है, और मैं आपको आगे भी मिलाता हूँ जो हमारे साथ और चले हुए इनसे मिले। ये हमारे राजीव सर, सबसे सीनियर आदमी। चलो सर, और ठीक है आप? ठीक है, चलो सर, चलो जी। और बोलते काफ़ी मतलब पुराना महल है और यहाँ पर एक तरह से हेरिटेज है ये भी, तो चलिए देखते हैं ज़रा कैसा ये किला। ये है जी मेन, ये मतलब मेन एंट्री। मेरे को लग रहा है ऐसे वाला मंदिर है, देखते हैं जरा आगे अभी। देखिए जी मेरे साथ और है, ये है नवीन सर, इनसे मिली नवीन भ्रोटा सर, ये हमारे प्रोडक्ट से हैं और जिन्होंने मतलब हम 2 मिनट से कंटिन्यू हम साथ हैं। ये है रंजन सर, ये हमारे कोटखाई से हैं जी, हेलो सर। और आगे है भीमटा सर, देखिए यहाँ पर हमारे कोटखाई के और टीचर्स मिल चुके हैं। आत्माराम सर हो गए, नरेश सर हो गए हमारे साथ है। आत्माराम सर ये भी कोठे से, और नरेश सर है ये सीएसटी सर है हमारे बुखोल में सर। संसार चंद जी का किला देखना है तो सर भी हमारे को मिले। सर कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर? ठीक है, चलो सर मिलते हैं सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला किला काफी पुराना है पर बहुत ही जबरदस्त, ये देख सकते हैं। देखिए अभी फोटो सेशन चला हुआ है यहाँ पर, वो बहुत ही जबरदस्त जगह लग रही है। मैं भीमटा सर से मिलाना आपको, मैं भूल गया, ये हमारे भीमटा सर है और हम दिल्ली से, हम साथ हैं कम से कम 2 महीने से, हम बिल्कुल साथ हैं। ये देखिए किला है, किले से यहाँ पर जो नज़ारा दिख रहा है ये आपके सुजानपुर का, देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त यार। और ये सुजानपुर का ग्राउंड जहाँ पर हम मैचेस चले हुए, क्या बात है जी, बहुत तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त। सुजानपुर फोर्ट देखने के बाद हम जा रहे हैं वापस। एक यहाँ पर मंदिर भी है, गौरी शंकर का मंदिर है मेरे ख्याल से रोड साइड पे। तो अगर आप कभी भी आना चाहें यहाँ पर सुजानपुर में, तो आपको फोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप आइए, और ग्राउंड जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ की ग्राउंड भी है यहाँ पर है। तो फिलहाल अभी हम वापस जा रहे हैं, अब बच्चों के मैचेस होने वाले हैं, तो फिर मिलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शिमला डिस्ट्रिक्ट ने कबड्डी का ट्रॉफी जीत चुके हैं, कबड्डी बॉयज में फाइनल जीत चुके हैं। और देखिए सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, जितने भी हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के कोचेज हैं, टीचर्स हैं। एक बहुत ही गर्व वाली बात है हमारे लिए, जो ये बच्चे यहाँ पर जीत चुके हैं। देखिए यहाँ पर जश्न का माहौल, सारे एक साथ। ये देखिए जी हमारे कबड्डी के बॉयज जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और विनर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर खुशी का माहौल है, ये प्लेयर है सामने, ये बहुत ही खुशी वाली बात है हमारे लिए। ये देखिए इन बच्चों की वजह से आज हम ये खुशी मना रहे हैं यहाँ पर। शेयर करो बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। और जो मैं कैचर बता रहा था वो सर के बेटे हैं, कहाँ है वो कैचर? कौन सा? नक्श ये वाले, हाँ ये कैचर था। और बाकी देखिए युवराज हो गया, ललित हो गया, सारे बच्चे, बहुत ही खुशी वाली बात है, बहुत चढ़ के खेले ये बच्चे। और आज ये बहुत हमारे लिए गर्व वाली बात है क्योंकि इन बच्चों की वजह से आज हमने ट्रॉफी जीती है, वो भी स्टेट में विनर्स के लिए। तो बेटा सबके लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। तो यही था ललित ये वाला, हाँ उठाना बनता जिसका, क्योंकि ऐसा स्पोर्ट्स मैन है जिसके चेहरे में एक इतनी रौनक है ना, मैं क्या बोलूँ आपको। ये क्रिश, क्रिश, हाँ ये बहुत रामलाल सर जिनसे हम बहुत पहले से वाकिफ हो। अभी कबड्डी जीतने के बाद मेरे को ललित भाई मिले हैं, ये बेसिकली हैदराबाद से हैं और ये नरेश, नरेश सर है, ये हैदराबाद से हैं बेसिकली, और इन्होंने सुजानपुर में अपना इंग्लिश
कोचिंग सेंटर खोला हुआ है यहाँ पर। तो प्लीज़ कभी भी आप आइए इनके पास। और इन्होंने मनाली में भी खोला था एक बार और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने खुद से पहचाना है, ये बहुत अच्छी बात होती है कि चलो हमारे कोई पहचान तो रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। देखिए जी, स्टेट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें ना पुराने मित्र बहुत मिलते हैं। मैं खेमराज भाई की बात करूं, चाहे अपने मुकेश भाई की बात करूं, और हम मिल रहे हैं मेरे ख्याल से 2013 की बात है ना, 2000 आज 2023 हो गया, 10 साल बाद हम मिल रहे हैं, पर फिर से वैसा ही हमारे में जोश है, बस थोड़े से हम मोटे हो चुके हैं मेरे ख्याल से, बाकी हम ठीक है बिल्कुल, वैसे के वैसे ही है जैसे हम पहले होते थे डाइट में। और बहुत अच्छा लग रहा है सोलन डाइट में हम साथ। अभी भी हमारे को मुकेश भाई मिले और ये हमारे को एक नदौन की स्पेशल चीज दिखा खिला रहे हैं। क्या बोलते हैं मुकेश भाई इसको? इसको पेड़े बोलते हैं। पेड़े, अच्छा। ये कभी आप ट्रेवल करोगे नदौन के लिए तो अच्छा। आपको जीन एक स्टेशन आएगा, जीन वहाँ पे अच्छा। दुकान है वहाँ पे। अच्छा, चलो टेस्ट करते हैं। देखिए जी, वहाँ के नदौन के पेड़े खा लेते हैं। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया खेले हैं, तो देखिए जी, कांग्रेचुलेशंस। मुन्ने बच्चे जिन्होंने भी डांस किया और बहुत ही जबरदस्त हमारी गाड़ी में, और सारे ये मेरे सब्सक्राइबर और मेरा चैनल देखते हैं ये, भले प्यारे प्यारे से छोटी छोटी कुटिया पीछे भी देखो बंदे, और ये सारे चैनल भी देखते हैं। अभी हमने निर्वा का व्लॉग डाला था, वो भी इन सबने देखा था, और अब इस दो या तीन दिन बाद आएगा आपका स्टेट वाला व्लॉग और सबने देखना है। ठीक है, ठीक है। और हमारे बीपीओ सर भी आ गए हैं यहाँ पर, इनको चेयर अप कर, चलो हेलो कर दो, बाय कर दो। एक आगे भी है पर वो दिखेगा नहीं अंधेरे में, वो भी है ना दिख रहा है।